चैनल YouTube कुकिंग मास्टर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी चॉकलेटी रसगुल्ला। इसमें चॉकलेट मेरी मेन इंग्रेडिएंट है, जिसको मैंने अंदर फिल किया है और ऊपर से भी थोड़ा चॉकलेटी बनाया है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर दूध, 1 कटोरी चीनी, 1 चम्मच मैदा, 2 डेरी मिल्क और थोड़ा काजू और बादाम को मैंने छोटे छोटे ऐसे बारीक काट लिए हैं, 1 चम्मच विनेगर और 4 से 5 हरी इलायची। तो सबसे पहले हम छेना तैयार कर लेंगे। छेना तैयार करने के लिए हम सबसे पहले दूध बॉयल करेंगे। दूध देखिए हल्का हल्का बॉयल होने लगा है। हाई से लो फ्लेम करते हुए हम इसे बॉयल करेंगे। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें विनेगर डाल के दूध से छेना तैयार कर लेंगे। दूध उबलने लगा है, अब हम इसका छेना तैयार कर लेते हैं। छेना तैयार करने के लिए जो मैंने विनेगर रखा था इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐसे डालते हैं और 2 से 3 मिनट बाद छेना बनके तैयार हो जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारा छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया है। अब हम इसे किसी ऐसे कॉटन के कपड़े में ऐसे इसको पलट लेंगे ताकि इसका पानी अलग हो सके और छेना हम अलग निकाल कर रख सकें। सारा छेना अलग कर लेंगे। इसका हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा छेना भी बनके तैयार है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चीनी को रख देते हैं पकने के लिए, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, इसमें मैं 3 से 4 कटोरी पानी ऐड करूंगा। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है। इसे हम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। हमें गदोरी के इस पोर्शन से मसलना है ताकि हमारा जो छेना है बहुत अच्छे से मसला सके और हमारे रसगुल्ले जो हैं बहुत ही अब इसमें हम जो 1 चम्मच मैदा रखे थे वो हम मिला लेते हैं। मैदे से हमारे जो रसगुल्ले होते हैं वो क्रैक नहीं होते हैं और अच्छे से बैंड हो जाते हैं। देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से मसल लिया। अब हम इसकी एक बॉल्स बना के देख लेते हैं। ये देखिए इसमें अब एक भी क्रैक्स के निशान नहीं आ रहे, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। थोड़ा देर हम इसे और मैश कर लेते हैं, फिर हम इससे बॉल्स तैयार करेंगे। बॉल्स तैयार करने के लिए रेडी हो गया। इधर हम इलायची को चाशनी में ऐड कर देते हैं। हम इसे छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। इसे हम छोटा छोटा डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि सारे बॉल्स बराबर बनके तैयार हों।
काजू बादाम और चॉकलेट भी मैंने इसी में मिला लिया है और इसका ही हम फिलिंग अंदर भरेंगे। इस तरह हम रसगुल्ले के सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल हमने सारे तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे डालेंगे चाशनी में। चीनी हमारे अच्छे से घुल चुकी है, अब हम फ्लेम करेंगे हाई। जब ये खोलने लगेगा फिर हम बॉल इसमें डालेंगे। चाशनी अच्छे से खोलने लगी है, अब हम इसमें बॉल डालेंगे। हमें चाशनी कोई एक तार या दो तार की नहीं चाहिए, बस चीनी पिघल जाए और अच्छे से खोलने लगे फिर हम इसमें सारे बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे हाई फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा रसगुल्ला बहुत अच्छे से पक चुका है और साइज में भी ये डबल हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। मिनी चॉकलेटी रसगुल्ला बनके तैयार हो गया है। मैंने इस पे ऊपर से थोड़ी चॉकलेट ग्रेट की हुई है और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मैं किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। Till my shadow turns to sun rays and I